दोस्तों, इंसानों ने इस धरती पर सिर्फ 25 लाख साल ही गुजारे हैं, लेकिन डायनासोर ही एक ऐसा जीव है जिसने इस धरती पर सबसे ज्यादा साल, लगभग 16 करोड़ साल इस धरती पर गुजारे हैं। डायनासोर धरती के लगभग हर कोने में मौजूद थे। जब डायनासोर जिंदा थे तो वो पृथ्वी के हर कोने में मौजूद थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी वैज्ञानिकों ने उनके अवशेषों को खोजा है। पृथ्वी पर सबसे पहले मांसाहारी डायनासोरों ने जन्म लिया था, उसके बाद सर्वाहारी और शाकाहारी डायनासोरों ने इस धरती पर जन्म लिया था। और शाकाहारी डायनासोरों की प्रजाति मांसाहारी और सर्वाहारी से ज्यादा थी, और शाकाहारी डायनासोर हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए एक झुंड में रहना पसंद करते थे। दोस्तों, डायनासोर जमीन पर रहने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे, लेकिन उनके दांत सबसे बड़े नहीं थे। इनके दांत सिर्फ 20 सेंटीमीटर ही लंबे होते थे। और अब तक इंसानों के द्वारा सबसे बड़े अगर खोजे गए डायनासोर की बात करें तो अर्जेंटिनोसोरस, ये दुनिया का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर था, जो कि 40 फुट ऊंचा था और जिसका वजन लगभग 77,000 किलो था। और अगर सबसे छोटे डायनासोर की बात करें तो कोप्सोगनाथस दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर था, जिसकी हाइट सिर्फ 2 फीट थी। ये आकार में बहुत ही ज्यादा छोटा था। सबसे तेज डायनासोर वेलोसिराप्टर था, जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता था। दोस्तों, डायनासोर की आवाजें बहुत ही ज्यादा ऊंची होती थी, ये लगभग 140 डेसिबल तक पहुंच जाती थी, जो कि एक बड़े हवाई जहाज की आवाज के बराबर होता है। जैसे आज शेर जंगल का राजा होता है, वैसे ही डायनासोर को अपने टाइम में धरती पर राजा कहा जाता था, और उस वक्त इससे बड़ा कोई जानवर नहीं था जो डायनासोर का शिकार कर सके। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि डायनासोर आग भी फेंकते थे, लेकिन अभी तक ये बात प्रूव नहीं हो पाई है कि क्या सच में डायनासोर अपने मुंह से आग फेंकते थे या नहीं फेंकते थे। अभी इस पर रिसर्च जारी है। दोस्तों, इंसानों द्वारा डायनासोर के अवशेषों को पहली बार 1841 में खोजा गया था। तब इंसानों को सबसे पहली बार पता चला था कि इस धरती पर करोड़ों साल पहले बहुत बड़े बड़े जानवर रहा करते थे। डायनासोर की रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवशेष उनका दांत होता था, और डायनासोरों के दांतों के आधार पर वैज्ञानिक उनके आकार और खुराक का अंदाजा लगाते थे। दोस्तों, धरती पर खुदाई करके जो डायनासोर मिले हैं, उनकी हड्डियों का यूज कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में डायनासोर की हड्डियों का यूज किया जाता है। दोस्तों, डायनासोर के साथ रहने वाला एक जानवर अभी भी जिंदा है, जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं। इनकी अगर क्षमताओं की बात करें तो इनकी सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज होती थी। इसके अलावा इनकी बाजों में जो दम होता था, वो लगभग अपने भार से 3 गुना ज्यादा वजन को उठा सकते थे। और डायनासोर के दांतों के अलावा उनकी हड्डियों से हमें ज्यादा उनकी जानकारी मिलती है कि उनका जीवन किस तरह का रहा होगा। दोस्तों, कुछ डायनासोर ऐसे थे जो धरती पर पड़ी चट्टानों को भी निगल लेते थे, और ये चट्टाने उनके पेट में खाने को पीसने का काम करती थी। अगर ज्यादातर मांसाहारी डायनासोरों की बात करें तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो 2 पैरों पर भागते थे, और अगले 2 पैरों से वो शिकार को पकड़ देते। लेकिन शाकाहारी डायनासोर अपने 4 पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए करते थे। इनके अगर जन्म की बात करें तो डायनासोर का जन्म अंडों में से होता था, जैसे आज मुर्गी के अंडों में से चूजे का जन्म होता है, वैसे ही एक बास्केटबॉल के आकार के अंडे में से डायनासोर का जन्म होता था। डायनासोर के अगर पैरों की शेप के बारे में बात करें तो उनके पैरों में 3 अंगूठे होते हैं, जो कि उनके चलते समय उनको बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। डायनासोर शब्द की बात करें तो ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, डीनो और सौरस। डीनो का मतलब होता है बड़ा या भारी, और सौरस का मतलब होता है जिंदगी या जीवन। तो डायनासोर का पूरा मतलब हुआ एक भारी जीवन। डायनासोर कितने साल तक जिंदा रहते थे, इसकी खोज तो अभी नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लगभग 200 साल तक जिंदा रहते थे। और डायनासोर कई तरह के होते थे, कुछ ज्यादा ही बड़े होते थे और कुछ इतने छोटे होते थे कि वो इंसान से भी 3 गुना ज्यादा छोटे थे, कि वो इंसान के सामने एक बिल्ली की तरह लगे। दोस्तों, करोड़ों सालों तक इस धरती पर रहने वाले डायनासोर कैसे खत्म हो गए, इस सवाल पर अभी भी पड़ता है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर एक एस्ट्रॉइड के गिरने से धरती के वातावरण का संतुलन बिगड़ गया था, जिससे धरती पर लगभग 75% जीवन नष्ट हो गया था, जिसमें से डायनासोर भी खत्म हो गए, और जो बाकी 25% जीवित चीजें थी वो आज के मानव और दूसरी प्रजातियां हैं। धरती पर एस्ट्रॉइड गिरने की थ्योरी का पता मेक्सिको में मिले एक एस्ट्रॉइड की धूल से पता चला है, जिससे अनुमान लगाया गया कि एक एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से धरती के ऊपर गिरा था। बताया जाता है कि ये एस्ट्रॉइड लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था, जिसने धरती की क्रस्ट में 150 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा कर दिया था, और इससे पृथ्वी पर जीवन लगभग खत्म हो गया था। दूसरे डायनासोर के विलुप्त होने की ये भी थ्योरी दी जाती है कि धरती पर एक ऐसी महामारी आई थी जिसमें तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया था, और वहाँ पर सूखे और नींद से मरने जैसी समस्याएं पैदा हो गई थी। इससे जंगलों में आग लग गई और इस तरह से डायनासोरों का अस्तित्व खत्म हो गया। अगर डायनासोर के खाने की बात करें तो उधर कोई भी फल या फूल नहीं होते थे, बल्कि बहुत से प्रकार की वनस्पतियां होती थी जिनको खाकर डायनासोर अपना जीवन गुजारते थे। दोस्तों, डायनासोर से रिलेटेड एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि एक नए जन्मे बच्चे का दिमाग बड़े डायनासोर से ज्यादा बड़ा होता था। तो दोस्तों, ये थे डायनासोर से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।